हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ चुके हो किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस कि आपके पास भी रियलमी का नार्जो 70 प्रो डिवाइस है, जैसे अगर आपके पास भी रियलमी का नार्जो 70 प्रो डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो गैस यहाँ पर इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ, उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट कर देने की कोशिश करता हूँ। तो गैस कि आपके भी डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर साउंड कम आ रहा है, या स्पीकर में धूल मिट्टी चली गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, हो सकता है आपका डिवाइस पानी बकरा में चला गया हो जिसकी वजह से स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें? आपका सवाल कुछ भी स्पीकर के रिगार्डिंग, अपडेट आने के बाद स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मल्टी स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, मल्टी स्क्रीन पर वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग्स का सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी और आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मल्टी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको करना, आपको जाना है सेटिंग में, देन जैसे आप सेटिंग में आओगे आपको नीचे आना है, आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पे। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पे जाओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एसबिलिटी, चेक करना है आपको, ढूंढना है यहाँ पर। जैसे आप एसबिलिटी पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है सबसे पहली बात मोनो ऑडियो को आपका ऑफ होगा तो ऑन कर देना है, दूसरी बात आपका यहाँ पर चेक करना है ऑडियो बैलेंस लेफ्ट है कि राइट है कि बीच बीच में डिफॉल्ट है। अगर बीच बीच में डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट ही रहने देना, ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड अगर आपका लेफ्ट है तो इसे आपको डिफॉल्ट पर लेके आना है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा बीच बीच में। एंड आपको लगता है पहले से डिफॉल्ट है तो आप किसी एक बार लेफ्ट करके एक बार राइट करके बीच बीच में दोबारा से लगा देना ताकि अपडेट हो सके, कोई रुकावट होगी साउंड में तो ऑटोमेटिक ये आपका साउंड ओपन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हो, सिंपली आपको जाना बैक, अब आपको क्या करना है ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे, किसी भी गूगल पे चले जाना, आपको कोई भी ब्राउजर खोल लेना एंड एंड आपको सर्च करना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है CLEAR क्लियर स्पीकर, ठीक है गाइस, ऐसे आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर एंड फिक्स माई स्पीकर पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट वेबसाइट पे, या आप नीचे आओगे तो सेकंड वेबसाइट भी मिल जाएगी कोई सी, और आपको देन इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा एंड देखते हैं हम, आपको बैक आना है दूसरी वेबसाइट पे, आपको जाना सिंपली इस पर आपको दो स्पीकर मिल जाएंगे, दो तरह की आवाज़ आएगी, ठीक है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे कुछ आएंगे बटन, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले पे ही कर देना और काफ़ी लाउड साउंड होगा, आपके स्पीकर में धूल मिट्टी पानी डस्ट वगैरह कुछ भी ये निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा, कोई भी रुकावट हुई तो आने लगेगी। चलिए हम किस पे क्लिक करते हैं, देख सकते हो जैसे मैंने क्लिक किया ये यहाँ पर ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट हो रहा है, यानी कि चल रहा है। हो सकता है आपको ऑडियो सुनाई ना दे रही हो क्योंकि मुझे नहीं दे रही, मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, काफ़ी लाउड साउंड होगा, 4 मिनट तक चलेगा, आप चाहें तो बीच में इस पर दोबारा से क्लिक करके रुक सकते हो एंड आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। चलिए हम इस पर क्लिक करके ऑफ कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, ऐसे आपको फॉलो करना और आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अच्छी वीडियो में बस इतना ही।